खुद को बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए ही प्राथमिकता देनी है। आज देश में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, स्थानीय निकाय हो, पंचायतें हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार मजदूर औरत हुए आदमी हर किसी को देगी सरकार 5,000 रुपए। तो भेजे अपना नाम, तो कैसे नाम भेजोगे? इसके लिए आपको वीडियो को आगे तक जरूर देखना होगा। और एक काम और करना होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर देना होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना होगा, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके और इस स्कीम का फायदा उठा सके। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं, कोरोना महामारी को आम जनता के बीच फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन 4 कुछ राज्यों में 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। काम धंधा ठप होने के बाद लाखों की तादाद में मजदूर पैदल ही घर को लौटने लगे। मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के बाद मई महीने तक लगातार मजदूर सड़कों पर पैदल चलते नजर आ रहे हैं। इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 के बीच मजदूर को आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि देश में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने एक बार फिर से सरकार 5,000 रुपए की सहायता राशि देगी। इसके लिए कंस्ट्रक्शन ने मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किए गए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। देश के सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों के खाते में 5,000 रुपए की दूसरी किस्त दी जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि पिछले महीने सरकार ने रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। केंद्र सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। पीएम ने कहा कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं हुआ है, वो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, हम आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसे उठाकर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। लॉकडाउन 4 बढ़ता देख सरकार ने मजदूरों के लिए यह सहायता राशि सीधे दी जाएगी। जो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करके मदद ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने श्रम मंत्री गोपाल राय ने भी जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार ने फैसला लिया है कि श्रम विभाग में पंजीकृत कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में इस माह फिर से 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। इससे देश में रहने वाले करीब 40,000 से ज़्यादा मजदूर लाभान्वित होंगे। इन मजदूरों को पिछले माह भी सरकार ने 5,000 रुपए की सहायता राशि दी थी। तो दोस्तों, आपको बस आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर आप बेरोजगार मजदूर हैं तो आप जल्द से जल्द 5,000 रुपए पा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हर कोई इस स्कीम का फ़ायदा उठा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। Take care and goodbye.